गाइस, कैन यू वेलकम बैक टू क्रिवास चैनल। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं क्रिवा को लेके पार्क में, क्योंकि आज डेनिस की भी छुट्टी है। बहुत दिन के बाद क्रिवा को हम लोग लेके जा रहे हैं पार्क में। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। विंटर शुरू हो गया है तो मैंने क्रिवा को फुल कपड़े पहना दिए हैं। क्रिवा के लिए बहुत सारी शॉपिंग भी हम लोगों ने की है, फर्स्ट क्राई से और अजियो से बहुत सारे क्रिवा के लिए कपड़े मंगवाए हैं। और आज जो क्रिवा ने रॉम्पर पहना है वो यहाँ से लोकल मार्केट से हम लोग लाए हैं, क्रिवा के डैडी लेके आए थे। तो बताइएगा कैसी लग रही है आज मेरी क्रिवा। तो चलिए ये घूमी 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 क्यों शिव का शिव शिव अले वाह अले वाह, जो मर्द को शिव करता भी सीखी गयो शिव क्यों एवं नहीं और मैंने भी विंटर के कपड़े पहन लिए हैं। चलिए निकलते हैं और डिनर भी आज बाहर ही करने वाले हैं, तो घर पे कुछ खाने पीने का टेंशन है नहीं। ब्लैंकेट भी ले लो, शाम को आते वक्त थोड़ा लेट हो जाएगा, ठंड लग सकती है। इसलिए टेनिस तो क्रिवा को ब्लैंकेट क्या है आओ रे कंटिन्यू क्रिवा को ब्लैंकेट और सो जाने ना, लाइट भी ऑन नहीं सकती, आई भी करो पर से दिख रहा। अरे वाह, हमारा दिकन तो पकड़ी था कि जब तो गाइस क्रिवा का रैम आजा क्या ब्लैंकेट निकाल देते हैं। क्रिवा के वार्डरोब में ही होगा शायद, क्रिवा का वार्डरोब ना अभी मैंने सेट नहीं किया है यार, खराब हो जाता है हम चाहे कितना भी सेट क्यों ना करें। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सेट किया था, तो ये वाइट वाला ब्लैंकेट जो मैंने मीशो से मंगवाया था ना वो अभी विंटर में काम आने वाला है। ये ना इस तरीके का ब्लैंकेट 2 साल के लिए, डेंस दिखाओ, इस तरीके का ब्लैंकेट ना 2 साल के लिए तो आराम से हो जाएगा, 2 साल तक तो क्रिवा को मैं यूज कर पाऊंगी। तो शाम को ना आते वक्त क्रिवा को इस तरह से हम ब्लैंकेट में रख कर आएंगे। नो, अभी ना कैप पहनाई है तो इस तरह से खुल नहीं जाएगा। तो चलिए फिर गाइस निकल रहे हैं, लेट भी हो रहा है, सारी लाइट ऑफ करते हैं। डेनिस बीजू कहीं भूल नहीं है ना, चलो गाड़ी की चाबी वॉलेट तो छे मम्मा ली दू। ये वो एडी का क्या है, आपने पार्क में घूमी बाय बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज था, आप लोगों ने सुना ही। पार्क में एंटर हो चुके हैं, इससे पहले भी हम कई बार यहाँ पे आ चुके हैं। नवसारी में वैसे तो और भी बहुत सारे पार्क हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे आना अच्छा लगता है। और भी पार्क में हम घूम चुके हैं, लेकिन ये वाले पार्क में एक अलग ही सुकून, एक अलग ही शांति होती है। और हम जब भी यहाँ पर आते हैं ना तो यहाँ की चना चटपटी, आगे आप लोगों ने देखा ही होगा हम लोग चना चटपटी लेने के लिए रुके थे, तो ये तो हम लोग ट्राई करते ही। और समोसे भी, समोसे कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन ये दो तो हम पहले जैसे पार्क में एंटर करते हैं वो खाते हैं, इसके बाद ही पार्क
की मजा लेते हैं। तो डेनिस और क्रिवा यहाँ पे बैठे थे, मैं समोसे लेने रुक गई थी, समोसे और चना चटपटी लेने। मुझे ना बाहर खाने पीने का बहुत शौक़ है, जब भी हम बाहर जाते हैं ना तो मैं खाने पीने की चीज़ें में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। मैं ऐसे ही हूँ, मुझे चटपटी चीज़ जैसे कि चाट है, ये सारी चीज़ ना बहुत पसंद है खाना। आप लोगों के साथ डेली रूटीन से करते करते मैं भी थोड़ा बोर हो गई हूँ, तो अभी इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो मैं बाहर के व्लॉग, वैसे हम लोग बाहर एक्सप्लोर करते थे क्रिवा को लेके, पहले भी जाते थे पार्क वगैरह में, लेकिन हमें व्लॉग नहीं बनाती थी, लेकिन अभी बाहर के व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और डेली रूटीन तो देखने को मिलेगी ही। तो गाइस मैं बैठी हूँ यहाँ पे और हम लोग लाए हैं चना चटपटी। यहाँ पे ना चना चटपटी बहुत फेमस है और साथ में ढेर सारे समोसे लाई हूँ, तो यहाँ पे पार्क के बाहर ही मिल रहे थे मुझे इस तरह से। यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ ना तो यहाँ के समोसे और चना चटपटी बहुत पसंद है। क्रिवा और दैनिक अंदर पार्क में ही हैं, पहले सोचा नाश्ता कर ले गरम गरम, फिर वरना ये ख़राब हो जाएगा क्योंकि पेपर के अंदर ही रैप किया है ना, इसलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं, पेट पूंजा हो जाए, इसके बाद क्रिवा को झूले में बिठाएंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे। आप लोगों को दिखाती हूँ रुक के क्रिवा और दैनिक क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी रील भी ली थी, वो आप लोगों को क्रिवा के इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने को मिलेगी। आई नो बहुत टाइम से क्रिवा के इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मैं एक्टिव नहीं हूँ और मुझे कमेंट भी आती है कि आपने 8, 9, 10 मंथ का फ़ोटोशूट क्रिवा का किया है या फिर अपलोड क्यों नहीं किया है। तो डियर मैंने शूट करके रखा था लेकिन वो दूसरे मोबाइल में था, यानी कि भाई के मोबाइल में मैंने शूट किए थे सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह रील वगैरह। तो मैंने अभी फाइनली ले ली है, बैक टू बैक मैं अपलोड कर दूंगी क्रिवा के इंस्टाग्राम अकाउंट पे। चलिए आप लोग भी क्रिवा की मस्ती देखो और एंजॉय करो। धीमे धीमे नाको, वो जोर थी नहीं। अरे बाप ले मालू गुगू, मम्मा नु गुगू। એના પગ નીચે જાય છે ને તેની કેટલું ગમતું છે ને શું કે આપો બીજા નો આડે ચાલો ચાલો દીકરા બસ હોય चना चटपटी खोलूं दे रही तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे खेलते खेलते अंधेरा हो गया था, वैसे भी ठंडियाँ शुरू हो गई है तो अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है। यहाँ पे सारी लाइट्स वगैरह भी ऑन कर दी थी तो कितना प्यारा व्यू आ रहा था, फिर बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ। प्लीज गाइस आप लोग ना यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी जज मत कीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं जिस तरह से खा रही हूँ, मैं चाहती तो ये सारे पार्ट को मैं रिमूव कर सकती थी, लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ एकदम रियल व्लॉग शेयर करना चाहती हूँ, कोई भी एडिटिंग
बहुत कम एडिटिंग में करती हूँ, जो है वो ही मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। गाइस मैं चना चटपटी लेने के लिए गई थी क्योंकि डेनिस ही पूरी ख़त्म कर गए, मुझे बहुत पसंद आई, टेस्टी थी, आज यम्मी थी। डेनिस यहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे। ये रही क्रीवा और डेनिस। क्यों को मज़ा आ रही थी ना, क्रीवा ने बहुत एंजॉय किया, क्रीवा ने झूले में भी बहुत एंजॉय किया और बहुत मस्ती की क्रीवा ने। क्रीवा खुश है तो फिर मैं भी खुश हूँ। यहाँ पे गाइस क्रीवा को एक क्रीवा की बिग सिस्टर मिल गई थी बोल सकते हैं। डेनिस ने क्रीवा को यहाँ पे नीचे बिठाया था ना, तो वो लड़की भी क्रीवा के पास खेलने के लिए आ गई। वैसे क्रीवा जहाँ भी जाती है ना, सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। टचवुड यार, बिल्कुल भी नज़र ना लगे मेरी क्रीवा को। वो क्रीवा है ही मेरी ऐसी, छोटे बच्चे से लेके बड़े कोई भी, अगर मैं एक्टिवा पे भी क्रीवा को घुमाने जाती हूँ ना बेल्ट पहन के, तो भी हर कोई आजू बाजू से कोई भी निकलता है तो क्रीवा को बोला कि निकल, मतलब क्रीवा को स्माइल दे के क्रीवा को बाय बाय करके निकलते हैं। और क्रीवा के फेस के ऊपर हमेशा स्माइल रहती है, इसलिए सारे लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं मम्मी के घर जाती हूँ या फिर यहाँ पे भी सारे हम लोग जैसे ही सोसाइटी में भी नीचे निकलते हैं ना राउंड घुमाने के लिए, तो हमारे पास तो रहती ही नहीं है क्रीवा, सारे लोग लेके घूमते रहते हैं। और क्रीवा सबके पास जाती भी है, तो ये बात बहुत अच्छी है। अभी आप लोग व्यू देखो कितना प्यारा व्यू हो चुका है, सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं बस। और ये वाले पार्क में ना ज़्यादा रश भी नहीं होता है, मतलब भीड़ तो रहती है लेकिन इतनी भी नहीं रहती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गाइस बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, बाहर ही डिनर करके जाएंगे, तो चलिए फिर, बहुत लेट हो गया है। यस क्रीवा भी बोल रही है लेट हो गया है, बहुत अंधेरा हो गया है, तो अभी चलते हैं बाहर कुछ डिनर के लिए, देखते हैं कहाँ पे चलते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। कुछ सिंपल ही खाना है, सैंडविच खाने का बहुत मन है, तो देखते हैं कुछ जंक फूड ही खाएंगे आज, अगेन फिर से जंक फूड खाएंगे, बहुत दिन के बाद कुछ पेट में जंक फूड जा रहा है। और क्रीवा को क्या खिलाना है, शायद घर पे जाके मैं खिचड़ी ही बनाऊँगी क्रीवा के लिए। तो चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से और आगे जो भी है। स्टे ट्यून्ड गाइस, यहाँ पे ना मिरर है, जूम मिरर है, तो क्रीवा देख के देखो क्या कर रही है मिरर में। अल्ले 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 अल्ले, क्रीवा कौन देखा जी, यहाँ पे सारे जूम मिरर है। क्रीवा के डैडी क्रीवा को मिरर में दिखा रहा है, देखो जूम मिरर ही बोलते हैं ना इसे। अभी मैं देखो कैसी दिख रही हूँ। अभी क्रीवा भी आ गई है। क्रीवी अले बाप ले, पछी आ अलग छे ना डेनिस। ये जूम मिरर नहीं है, आई थिंक ये स्लाइड मिरर है, इसमें मैं बहुत स्लिम दिख रही हूँ। अरे बाप रे, इसलिए स्लिम हूँ नहीं मैं। फिर यहाँ पे ये कौन सा है, ये भी यहाँ पे भी, इसमें भी मैं एकदम स्लिम दिख रही हूँ। ये सारे बच्चे लोग देख रहे हैं। क्रीवी ये गाइस पार्क के अंदर ही था कुछ, देखो ये पार्क के अंदर ही था कुछ। आईना घर, एक मिनट, गुजराती में लिखा है आईना घर, यानी कि मिरर हाउस। मिरर हाउस में हम गए थे, कैसा लगा डेनिस आपको? बहुत अच्छा लगा। और क्रीवा ने भी बहुत एंजॉय किया, फाइनली निकल गए घर के लिए। देखो कैप निकाल रही है क्रीवा, क्रीवा को भी कैप पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्रीवा बलून बलून, क्रीवा
रही हूँ, देखो आम जो तो रही हूँ। वैसे हम लोग फास्ट फूड खाने के लिए बाहर जाने वाले थे, लेकिन हम लोग आ गए यहाँ पे भूमेश्वरी करके है। यहाँ की खिचड़ी कढ़ी बहुत फेमस है और क्रीवा का भी खाने का टाइम हो गया था। क्रीवा को मैं 8-8:30 बजे तक तो मैं खिला देती हूँ, फिर हम खाते हैं। घर पे जाने के बाद क्रीवा के लिए खिचड़ी बनाती, तो ये सारे में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता हमारा। तो यहाँ की खिचड़ी कढ़ी यानी कि घर की जैसी ही खिचड़ी कढ़ी होती है, बहुत हेल्दी और मस्त। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में। तो क्रीवा का भी हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे ही खा लेते हैं। तो हम लोगों ने पंजाबी ऑर्डर किया था साथ में खिचड़ी कढ़ी क्रीवा के लिए, तो क्रीवा को भी खिला दिया, हमारा भी हो गया। गाइस अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो क्रीवा भी उठ गई, डेनिस के साथ सो रही थी, तो वो उसे पता है कि मैं कहाँ पे हूँ। अगर मैं क्रीवा के पास में नहीं होती हूँ तो ऐसा नहीं कि क्रीवा रोएगी, और वो सीधा उठ के मतलब निकल जाती है बाहर देखने के लिए कि कहाँ पे है, मम्मा किचन में है या फिर आगे लिविंग एरिया में बैठी है। तो क्रीवा की अभी आवाज़ भी आप लोगों को आ रही होगी, क्रीवू उठी क्यों माँ दिखो गुगू गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग मम्मा, वीडियो एडिट कल तक दिख रही। गाइज हम लोग आए हैं यहाँ पे भूमेश्वरी करके है नवसारी में, और क्रीवा की भी यहाँ पे खिचड़ी मिल जाएगी, सिंपल प्लेन खिचड़ी। तो क्रीवा खिचड़ी खा लेगी और हम देख के कोई पंजाबी ऑर्डर करते हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद हम लोग पंजाबी खाने के लिए आए हैं। डेनिस का भी मन है पंजाबी कुछ मंगवाते हैं, और डेनिस को यहाँ पे वो क्रिकेट मिल गई, यहाँ पे भी क्रिकेट, यहाँ पे भी मैच मिल गई डेनिस को। तो चलिए फिर क्रीवा के लिए सिंपल खिचड़ी ऑर्डर करते हैं और हमारे लिए पंजाबी कुछ देखते हैं। मेरा भी मन है कितने दिन बाद कुछ पंजाबी खाएगी, तो देखते हैं। चलिए और क्रीवा देखो, हमारे नवसारी में ना गाइस यहाँ की भूमेश्वरी की खिचड़ी कढ़ी बहुत फेमस है। अगर आप नवसारी के लोकल हो गए तो आपको पता ही होगा, और यहाँ की खिचड़ी भी बहुत फेमस है। तो मेरा जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो खिचड़ी कढ़ी तो खाती ही हूँ, और यहाँ की पंजाबी डिशेज भी बहुत टेस्टी होती है। तो देखते हैं कोई पंजाबी डिश मंगवाते हैं साथ में खिचड़ी कढ़ी। और डैनी भी परेशान हो गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, और मेरी क्रीवा कितनी आराम से खिल गई है। यहाँ की काजू करी बहुत टेस्टी होती है, काजू करी एक पंजाबी डिश है, आप लोगों को पता ही होगा, वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रीवा को काजू निकाल के थोड़े थोड़े टुकड़े में डेनिस दे रहे थे, बस सिंपल से हम लोगों ने काजू करी साथ में घर की जैसी रोटी मंगवाई है। तो यही था हमारा आज का डिनर साथ में खिचड़ी करी। तो क्रीवा ने थोड़ी खाई थी, बाद में जो प्लेट में थी वो हम लोगों ने फिर ख़त्म कर दी। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने हमारा डिनर एंजॉय किया था। मान लो गुगू उठी गया इतना, हमें मम्मा थी काम कहीं नहीं था से जल्दी जल्दी पब्लिक कर दी मम्मा वीडियो। तो चलिए फिर गाइस ये वीडियो को तो हम लोगों ने एंड कर दिया है, एडिट हो गया है, बस जल्दी से अपलोड करती हूँ। अभी मैं गाइस वीडियो को लेट नहीं करना चाहती हूँ, जितना हो सके इतना जल्दी 1-2 दिन में वीडियो को पब्लिक करना चाहती हूँ। दिवाली व्लॉग्स भी बहुत सारे आने वाले हैं, यस दिवाली व्लॉग्स भी आने वाले हैं, तो बैक टू बैक बहुत सारे व्लॉग अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी जिस तरह से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, होप कि आगे भी हम ऐसे ही बैक टू बैक डेली व्लॉग्स डाल पाए, देखते हैं कब तक हो पाता है। ये थोड़ा सा मुश्किल तो है बेबी के साथ, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अभी स्टाइल विथ अपेक्षा भी फॉलो करना है, डेली हॉल्स वगैरह आप लोगों के लिए शेयर करने हैं। गाइस स्टाइल विथ अपेक्षा मेरी सेकंड चैनल है, वहाँ पे मैं अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ, हॉल्स और बहुत सारी चीज़ें, क्रीवा के लिए मैं क्या लेती हूँ, अपने लिए क्या क्या लेती हूँ, वो सब कुछ मैं वहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस वहाँ पे भी आप लोग अपना प्यार एंड सपोर्ट दे सकते हैं, उसे भी सपोर्ट कीजिए। लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी स्टाइल विथ अपेक्षा की। तो स्टाइल विथ अपेक्षा यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टा पेज भी है, आप चाहो तो इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ 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 आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, वहाँ
बहुत अच्छे कंटेंट में अभी आने वाले दिनों में अपलोड करने वाली हूँ। तो क्रिवा को खिचड़ी कड़ी में खिला रही थी। क्रिवा इस तरह से घर पे भी जब होती है ना ऐसे ही खाती है, मेरे ऊपर पूरी चढ़ चढ़ के खाती है। तो क्रिवा थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई थी क्योंकि क्रिवा का भी सोने का भी टाइम हो गया था। हम बहुत जल्दी आ गए थे ना तो क्रिवा की जो शाम की नींद थी वो भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ा सा थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। और गाइस यहाँ पे बहुत हाइजीनिक होता है सब कुछ, और मूंग की दाल की खिचड़ी ही मैं क्रिवा को खिला रही थी। आप लोग कमेंट करो, इससे पहले ही मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मूंग की दाल की सिंपल खिचड़ी है। और गाइस आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कैसे व्लॉग देखना पसंद करते हैं और आगे कैसे आप लोगों के लिए व्लॉग मैं बनाऊँ। कमेंट करके जरूर बताएगा कि आज का व्लॉग कैसा है। प्लीज़ प्लीज़ आपकी कमेंट का वेट करूँगी। आवाज़ जो ओ कर कर आओ गुल 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 यो गुल 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 क्रिवा हाउस आई गयो, क्रिवा हाउस आई गया। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर पे और ये व्लॉग को हम यस क्रिवा वाइप करे क्रिवा वाइप करना सीख गए गाइस। तो बस अभी हम थोड़ी देर पहले ही घर पे आए हैं, अभी कपड़े चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं और ये व्लॉग को हम यही पेंट करते हैं। देखो आप तो जो मम्मा है जो हो कि आप लोगों को आज का हमारा छोटू सा प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाएगा एंड 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 क्रियो क्रियो शिव करी ने क्रियो ना क्रिवा गाइस बाय करना भी सीख गई है। क्रियो बाय 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 क्रियो बाय अया अया बाय कर लो बाय कर लो बाय जो बम थे जो देखो क्रियो आप देख आप जो तो कर लो अल्ले बाबू तू आशू ले क्यों बाय करो नहीं बाय बाय क्यों बाय बाय करो बाय एक बार तो बाय कर। चलो गाइस क्रिवा का मूड नहीं है, क्रिवा का जब मूड होता है ना तभी वो करती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दी जाएगा। मैं आई नो इस तरह से व्लॉग को एंड कर रही हूँ लेकिन बहुत थक गई हूँ। चलिए मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।